सलमान खान की फिल्म रेस 3 को रिलीज होने में सिर्फ 35 ही दिन रह गए हैं। ऐसे में फिल्म का ट्रेलर अब तक रिलीज हो जाना चाहिए था, लेकिन हर दिन ट्रेलर रिलीज की डेट टलती जा रही है। इससे पहले इसके पीछे एडिटिंग की वजह बताई जा रही थी, लेकिन सूत्रों की माने तो फिल्म के निर्माता अब तक डिस्ट्रीब्यूटर फाइनल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से फिल्म अटक गई। रेस 3 ईद पर रिलीज होने वाली है और इस ईद पर सलमान की एक्शन फिल्म का रिलीज होना यानी कि बॉक्स ऑफिस पर धमाका होगा ही, लिहाजा फिल्म के निर्माता डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स का दाम काफी बड़ा रखा है। पहले जहां 130 करोड़ रखा गया था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 150 करोड़ कर दिया है। नतीजे के तौर पर सारे डिस्ट्रीब्यूटर अब धीरे धीरे कदम पीछे हटा रहे हैं। दरअसल फिल्म में यदि डिस्ट्रीब्यूटर 150 करोड़ लगाते हैं तो उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए फिल्म को लगभग 350 करोड़ की कमाई करनी होगी, जो कि फिलहाल रेस 3 के साथ मुश्किल दिखता हुआ नजर आ रहा है। वही निर्माता चाह रहे हैं कि एक बार डील फाइनल हो जाए, उसके बाद ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि इसको कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है नहीं। वैसे इस मूवी का जो नाम है वो काफी ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसके पोस्टर्स लोगों को काफी हद तक पसंद नहीं आए थे और अभी तक इसका ना टीजर रिलीज हुआ है ना ही ट्रेलर। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि ये मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।